न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयः न गंगमंबो न च हारयष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपस्थिताम्। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित वृहत स्वयंभू स्तोत्र के 10वें प्रकरण शीतलनाथ स्तवन का एक छंद पढ़ा है। आज शीतलनाथ भगवान को विशेष रूप से प्रणाम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, मेरा प्रिय है। मैंने सोचा कि ये जो मंगलाचरण न्याय दीपिका का है वो तो हम हर बार करते ही हैं, आज आपको एक प्रासंगिक मंगलाचरण सुना देता हूं। और ये श्लोक जब कभी अलग से हम चर्चा करेंगे तब इसके बारे में और विशेष बात पता चलेगी, लेकिन अभी बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये श्लोक मुझे इसलिए अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें शीतलता किसे कहते हैं और वह कैसे प्राप्त होती है इसका न्याय की शैली में बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। सब चीजों को थोड़ा गहराई में जाओ तब ज्यादा आनंद आता है। जैसे मैंने चर्चा की थी कि श्री वर्धमान, तो एक अर्थ तो जन सामान्य कोई भी समझ जाएगा कि श्री वर्धमान माने क्या, लेकिन जो विद्वान होगा वो श्री वर्धमान शब्द का अर्थ समझने के लिए उसमें गोते लगाएगा और गोते लगाएगा तो उसको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति कितनी सूक्ष्म है, कितनी गहरी है, कितनी प्रतीकात्मक है। यहाँ शब्दों के अर्थ उतने उथले नहीं हैं जितने हम प्राय समझ लेते हैं, बहुत सूक्ष्म अर्थ होते हैं। ऐसे ही सब कहते हैं शीतल शीतल, ठंडा ठंडा, पर क्या होता है शीतल का मीनिंग? यदि आप ये शीतलनाथ स्तुति का ये श्लोक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना सुंदर इसका मीनिंग है। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ सिर्फ इतना सा है कि हे शीतलनाथ भगवान, लोग कहता है कोई कहता है कि मोतियों का हार शीतल है, कोई कहता है गंगा जल शीतल है, ऐसे नाना प्रकार से लोग शीतल वस्तुएं गिनाते हैं, पर वास्तव में शीतल वस्तु तो एक आपकी वाणी ही है, जिन वाणी ही है, क्योंकि सच्ची शीतलता वही प्रदान कर सकती है और कोई दुनिया की बाह्य वस्तु है इस जीव को संसार ताप से मुक्त नहीं कर सकती है, सच्ची शीतलता नहीं प्रदान कर सकती है। ऐसा ये एक बहुत ही अच्छा मंगल श्लोक है। आज मैंने सोचा इसका स्मरण किया जाए, आपको कराया जाए तो अच्छा रहेगा।
इसलिए मैंने ये मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रथम प्रकाश के 10 अनुच्छेद पढ़ लिए, अब 11वां अनुच्छेद पढ़ते हैं। प्रकरण मालूम रहना चाहिए। प्रकरण ये चल रहा है कि प्रमाण का लक्षण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, प्रमाण का लक्षण क्या है। और ये बताया था कि दो चीज है, एक प्रमाण की व्युत्पत्ति यानी शब्दार्थ, और एक है प्रमाण का लक्षण। तो प्रमाण की व्युत्पत्ति तो सब एक ही मानते हैं, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से समीचीन रूप से वस्तु को जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। ये तो इसका शब्दार्थ है। और किंतु वह प्रमाण क्या है, तो जैन आचार्यों का कहना है कि वह प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है, वह प्रमाण केवल सम्यक ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही एकदम सही ज्ञान होता है, और कोई उपाय संसार में नहीं है। तो वो चर्चा चल रही है और इन्होंने लक्षण बनाया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम लक्षण बनाया तो कहा कि इसमें भी हमने दो शब्द दिए, एक सम्यक एक ज्ञान। तो ज्ञान शब्द से भी हमने कुछ निवृत्ति की है और सम्यक शब्द से भी हमने कुछ निवृत्ति की है। देखो, जब भी कोई बात कही जाती है तो कुछ कहा भी जाता है और कुछ उसके द्वारा खंडन भी किया जाता है, होता ही है। आप करो या न करो, बुद्धिपूर्वक वो होता ही। मान लो मैं आपसे कहूं कि ये रूमाल है, तो ये रूमाल है कहने से ये भी सिद्ध होता है कि ये पुस्तक नहीं है। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें ये सहज ही एक चीज का प्रतिपादन होता है तो दूसरी का निराकरण भी अवश्य होता है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा तो इसमें निराकरण किसका हुआ, इस पर विचार चल रहा है। समझ में आया? एक बार फिर सुन लो ये लाइन, नहीं तो आगे के 4 पैराग्राफ समझ में नहीं आएंगे। मैंने ये कहा कि जब भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी बोलता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी वाक्य बोलता है, तो उस वाक्य के द्वारा कुछ कहा भी जाता है और कुछ निराकरण भी किया जाता है, और वो सहज ही ऐसा ही भाषा का स्वरूप है, वो होता ही है। आप कहो ना कहो, आप चाहो ना चाहो, लेकिन होता ही है। मैंने बोला कि ये घड़ी है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये पेन नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो इससे क्या क्या निराकरण हो गया। तो कह रहे हैं कि जब हमने सम्यक कहा तो सम्यक कहने से संशय विपर्यय और अनध्यवसाय का निराकरण हो गया। ये सब विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा लेंगे, जैसे अभी आप्त परीक्षा की परीक्षा हुई है, ऐसे ही एक दिन न्यायदीपिका की भी परीक्षा होगी। आप सब तैयार रहना एकदम। आपसे पूछा जाएगा सम्यक पद के द्वारा किसका निराकरण किया गया है, तो आपको उत्तर देना है
कि सम्यक पद के द्वारा संशय विपर्यय और अनध्यवसाय का निराकरण किया गया है। फिर पूछा जाएगा कि ज्ञान पद के द्वारा किसका निराकरण किया गया है, तो आपको कहना है कि ज्ञान पद के द्वारा ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति का निराकरण किया गया है। मैंने ज्ञान को रखा है और बाकी उसके अलावा जो भी है उन सब का निराकरण किया गया है। तो कैसे निराकरण किया गया है ये बात यहाँ चल रही है कि दसवें पैराग्राफ में ये बताया कि प्रमिति का निराकरण कैसे होता है। तो उनने उत्तर दिया कि जो ज्ञान है वो करण साधन है, भाव साधन नहीं है। यदि भाव साधन होता तो प्रमिति गर्भित हो जाती, लेकिन करण साधन है इसलिए प्रमिति का निराकरण हो जाता है। ये बात हमने अच्छी तरह दसवें अनुच्छेद में पढ़ ली थी। अब ग्यारहवां अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। नन्वेवम अपि, ग्यारहवां पैराग्राफ, नन्वेवम अपि अक्षलिंगादौ अतिव्याप्तिर लक्षणस्य। देखो कितना बड़ा एक शब्द है, पर ये वास्तव में एक शब्द नहीं है, ये बहुत सारे शब्द मिले हुए हैं। इनको विच्छेद करके समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। ननु एवं दिखाई दिया, ननु इनको तोड़ना जरूरी है। ननु, ननु माने क्या, न्याय शास्त्र में कहीं पर भी ननु आ जाए तो समझ लो ये बीच में स्पीड ब्रेकर है, बात जो चल रही थी उसमें कोई शंका पैदा हो गई। तो ननु, फिर एवं, फिर एवं के बाद अपि, फिर अपि के बाद अक्षलिंगादौ, फिर अक्षलिंगादौ के बाद अतिव्याप्ति लक्षणस्य। इतने सारे शब्द हैं तब जाके समझ में आएगा। लक्षणस्य अतिव्याप्ति, वो कह रहे लक्षण में शंकाकार शंका कर रहा है कि लक्षण में तो अव्याप्ति आएगी साहब, अतिव्याप्ति। बोले कैसे आएगी कि जो अक्षलिंगादि है, अक्ष माने, अक्ष शब्द के दो अर्थ होते हैं, अक्ष माने आत्मा भी होता है और अक्ष माने इंद्रियां भी होता है, और यहाँ पर दोनों ही अर्थ घटित होंगे। तो कह रहे हैं कि जो अक्षलिंगादि, लिंग माने साधन, हेतु के जो साधन होते हैं चिन्ह आदि, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग माने जैसे धुआं है वो अग्नि का लिंग है, धुआं अग्नि का लिंग है, धुएं को कहते हैं लिंगी, और जो लिंग का स्वामी होगा उसको लिंगी कहते हैं, और जो चिन्ह होता है उसको लिंग कहते हैं। कहते हैं ननु माने यहाँ शंका है कि इस प्रकार अक्ष माने आत्मा, लिंग माने चिन्ह आदौ, आदौ सप्तमी एक वचन में लक्षण में अतिव्याप्ति आएगी। क्यों? तत्रापि प्रमिति रूपम फलम प्रतिकरणत्वात्, क्योंकि वहां पर भी प्रमिति, क्योंकि वे चीज भी, तत्रापि वे चीजें भी, वहां पर भी ये सब प्रमिति रूप फल के प्रतिकरण है। माने जैसे अक्ष लिंग, अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियां भी ज्ञान का कारण है, करण है, कारण नहीं करण, करण माने साधकतम। तो ऐसा बोले दृश्यते ही, जैसा कि लोक में देखा भी जाता है, चक्षुषा प्रमीयते, चक्षुषा, चक्षुषा क्या है, तृतीया एक वचन तीन बट्टा एक, चक्षुषा प्रमीयते, चक्षु के द्वारा जानता हूँ, प्रमीयते,
ठीक से जानता हूं। धूमेन प्रमीयते, धुआं से ठीक से जानता हूँ। शब्देन प्रमीयते, शब्द से जानता हूँ। देखो, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयते, इति व्यवहारः, इति चेत माने ऐसा कोई कहे तो, ना नहीं। देखो यहाँ तक ये शंका हुई, ये सब समझना चाहिए। ननु से शंका शुरू हुई और कहाँ तक पूरी हुई, ये नीचे जब इति चेत लिखा है ना, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयते, इति व्यवहारः, इति चेत, ऐसा जो लोक में व्यवहार देखा जाता है कि मैं आंख से देखता हूँ, मैं धुआं से जानता हूँ, मैं शब्द से जानता हूँ, इति चेत, यहाँ तक की ये शंका है। और समाधान क्या? ना भैया, ऐसा नहीं है। अक्षादेह प्रमितिम प्रति असाधक तमत्वात्, क्योंकि अक्षादि प्रमिति के प्रति असाधकतम है, ये साधकतम नहीं है। बराबर ये कहा जा रहा है कि जो साधकतम हो वो करण होता है, और ये साधकतम आंखें इंद्रियां जानती हैं, लेकिन वे जानने में साधकतम नहीं है, उत्कृष्ट साधन नहीं है, इसलिए उनका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो करण की बात है कि वो साधक तम होना चाहिए। फिर अब बारवां बढ़ते हैं आगे। तथा ही प्रमिति प्रमाणस्य फलम इति न कस्यापि विप्रतिपत्ति, वही बात और खुलासा कर रहे हैं कि प्रमिति ही तथा ही, तथा ही माने और सुनो ध्यान से, प्रमिति वो प्रमाण का फल है, प्रमिति ही प्रमाणस्य फलम अस्ति, प्रमिति प्रमाण का फल है। इति न कस्यापि विप्रतिपत्ति, इति माने इसमें, न माने नहीं है, कस्यापि किसी को भी, विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति माने आपत्ति, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। विप्रतिपत्ति माने किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब इस बात को मानते हैं कि जो प्रमिति है वो प्रमाण का फल है। साचे अज्ञान निवृत्ति रूपा, सामान्य प्रमिति, प्रमिति अज्ञान की निवृत्ति रूप है, प्रमिति के प्रमाण का फल है, इसलिए वो अज्ञान के निराकरण रूप ही है। तदुत्पत्तौ उसकी उत्पत्ति में, तदुत्पत्तौ 7/1, तदुत्पत्तौ माने क्या, प्रमिति की उत्पत्ति में, प्रमिति माने क्या, ये सब शब्द बिल्कुल अब पक्के हो जाने चाहिए ताकि धड़ाधड़ पढ़ा जा सके। तदुत्पत्तौ माने प्रमिति की उत्पत्ति में, और प्रमिति माने क्या, प्रमिति माने प्रमाणस्य फलम। तदुत्पत्तौ करणेन सता, करणेन माने करण माने साधकतम, करणेन माने साधक, उसकी उत्पत्ति में साधकतम रूप से होने वाले को तावत अज्ञान विरोधिना भवितव्यम, प्रमिति की उत्पत्ति में जो कोई साधकतम है उसे डेफिनेटली अज्ञान विरोधी ही होना चाहिए। कितना बढ़िया लिखा है, अतावत। अब देखो, कोई ज्ञान विरोधी पढ़ेगा तो फिर गलत हो जाएगा। तावत अज्ञान विरोधिना भवितव्यम, उसे अज्ञान का विरोधी होना चाहिए। न च
ना च का अनुवाद पहले होगा, और न माने नहीं है, अख्याधिकम, अख्याधिक याद रखना जरूरी है, अख्याधिक, अख्याधिक माने इंद्रियां, नैचे अख्याधिकम अज्ञान विरोधी, और अज्ञान अख्याधिक है इंद्रियां जो है वे अज्ञान की विरोधी नहीं है। कितना बढ़िया इंद्रियां, अब ये बात समझ में आनी चाहिए, इंद्रियां अज्ञान का विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है? अचेतनत्वा की तर्क दे, वे तो खुद अचेतन है, आंख नाक कान ये तो खुद ही अचेतन है। जब ये स्वयं अज्ञान रूप है तो अज्ञान का नाश कैसे करेगी? जो स्वयं अंधकार रूप हो वो अंधकार का नाश कैसे करेगा? जो खुद तैरना नहीं जानता हो वो दूसरे को तैरना कैसे सिखाएगा? बहुत बढ़िया लिखा, नचे अक्षादिकम अज्ञान विरोधी अचेतनत्वात् तस्मात् अज्ञान विरोधिनः चेतन धर्मस्येव धर्मस्यैव कर्णत्वम् उचितम्। तस्मात् इसलिए, देखो तस्मात् में ए छुपा हुआ है, तस्मात् तस्मात् था लेकिन आगे ए होने की वजह से ए उसमें मिलकर तय का दे बन गया, तस्मात् बन गया, तस्मात् अज्ञान विरोधिना, इसलिए अज्ञान का जो विरोधिना, विरोधिना क्या हुआ? विरोधिना, विरोधी, विरोधिनो, विरोधिना षष्ठी एकवचन, विरोधिना चेतन धर्मस्यैव कर्णत्वम् उचितम्। तो अज्ञान का विरोधी कोई चेतन का धर्म ही हो सकता है, अचेतन वस्तु अज्ञान का विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो खुद ही अचेतन है। बहुत बढ़िया बात लिखी है, ये तो ये पकड़ना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंद्रियां प्रमाण नहीं है, जैन आचार्य क्यों नहीं मानते हैं इंद्रियों को प्रमाण? क्योंकि इंद्रियां ज्ञान का साधक तम नहीं है, ज्ञान का करण नहीं है, वे स्वयं अचेतन है। अचेतन होने के कारण, अब ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि जैन दर्शन के अनुसार अक्षादि प्रमाण का लक्षण क्यों नहीं माना गया? तो उत्तर देना है आपको कि अक्षादि प्रमिति के प्रति करण नहीं है। प्रमिति के प्रति करण तो वही हो सकता है जो अज्ञान का विरोधी हो, जो चेतन हो, जो चेतन धर्म होगा वही करण होगा, अचेतन नहीं हो सकता है। देखो तस्माद अज्ञान विरोधिना चेतन धर्मस्यैव कर्णत्वम् उचितम्। लोकेपि अंधकार विघटनाय तद विरोधी प्रकाशः एव उपास्यते न पुनर्घटादि तद अविरोधित्वात्। लोकेपि, लोक में भी, अंधकार विघटनाय, अंधकार को नष्ट करने के लिए, लोके सप्तमी एकवचन, अपि लोक में भी, अंधकार विघटनाय अंधकार का विघटन करने के लिए, अंधकार का नाश करने के लिए, तद विरोधी उसका विरोधी, उसका किसका? अंधकार का, अंधकार का विरोधी प्रकाश एव उपास्यते, प्रकाश की, प्रकाश ही उपासित किया जाता है, न पुनर्घटादि, कोई घटादि की उपासना नहीं की जाती, प्रकाश की उपासना की जाती है। तद अविरोधित्वा, क्योंकि घटादि उसके अविरोधी हैं, घट से कोई
अंधकार नहीं भागता है, हम दीपक लेकर जाते हैं। अगर किसी कमरे में अंधकार है तो अंधकार को नष्ट करने के लिए घटादि नहीं चाहिए अंधकार, क्योंकि वे अंधकार के विरोधी नहीं है। अंधकार को नष्ट करने के लिए अंधकार का विरोधी चाहिए। उस कौन किसको नष्ट करेगा? जो उसका विरोधी होगा वही उसे नष्ट कर सकता है। तो ज्ञान का विरोधी अज्ञान, अज्ञान का विरोधी ज्ञान, और इंद्रियां अज्ञान रूप है। देखो कितना बढ़िया लिखा, तो बहुत बढ़िया बात आई है। इसलिए तो क्या 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 निराकरण हो गया? प्रमिति का निराकरण हो गया, अक्ष लिंगादि का निराकरण हो गया। और अब 13वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो किंच, ये सब छोटे छोटे शब्द, तथा ही, किंच, इनसे विषय को आगे बढ़ाते हैं। किंच और भी कहते हैं, ऐस्व संविदत्वात्, ऐस्व संविदितत्वात् अक्षादेर नार्थ प्रमितौ साधक तमत्वम् स्वावभासना सक्तस्य परावभासकत्वा योगा। किंच, किंच को समझो, जैसे ननु आता है तो क्या होता है? ननु माने शंका, तथा ही माने और विस्तार करते हैं, किंच माने और विस्तार करते हैं। ऐस्व संविदितत्वात्, अब इसको समझो, एक एक शब्द समझो। ऐस्व संविदत्वात्, ए माने ए को अभी एक बार रखो, स्व संविदित माने जो स्वयं को जानता है। संवेदन शब्द का अर्थ यहाँ पर है जानना, स्व संविदत संवेदन। और जो अक्षादि है, अक्षादि माने इंद्रियादि, इंद्रियादि ऐस्व संवेदी है, इंद्रियां स्वयं को नहीं जान, ये बहुत खास तर्क है। इंद्रियां है जैसे मेरी आंखें सब चीजों को देखती है लेकिन अपने को नहीं देखती, नाक सबको सूंघती है लेकिन अपने अंदर को नहीं सूंघती है, ये रसना सब पदार्थों का स्वाद लेती है पर अपना स्वाद नहीं लेती, ये अस्व संविदित है, ये स्व को नहीं जानती है इंद्रियां, अस्व संविदित संविदत्वात् अक्षादे, अक्षादे माने षष्ठी एकवचन, अक्षादि का ने देखो नार्थ प्रमितौ लिखा है ना, इसमें भी न अलग करना पड़ेगा, ने अर्थ प्रमितौ, अर्थ प्रमितौ माने अर्थ की प्रमिति में, पदार्थ की जानकारी में, अर्थ की प्रमिति में, न माने नहीं है। साधक तमत्वम, साधक तम नहीं है, इंद्रियां वे स्वयं को नहीं जानती है ऐस्व संवेदी होने के कारण। फिर सुनो, ऐस्व संवेदी होने के कारण, स्व संवेदी होना मतलब स्व को जानना, और ऐस्व संवेदी माने जो स्व को नहीं जानता है उसको कहते हैं ऐस्व संवेदी। इंद्रियां ऐस्व संवेदी होने के कारण अर्थ की जानकारी में साधक तम नहीं है। स्वावभासना सक्तस्य, बहुत ही मजबूत तर्क है, बहुत ही मजबूत है, इसको आप आसानी से सुन के निकाल दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पूरी फिलॉसफी का बहुत बड़ा आधार है, कितना मजबूत तर्क है। स्वावभासन असक्तस्य परावभासकत्व अयोगात्, जो स्वय का अवभासन नहीं कर सकता वह पर का भी अवभासन नहीं कर सकता। स्वय अवभासन, स्वय माने अपना,
अवभासन माने जानना, और असक्त, असक्त माने उसमें जो समर्थ नहीं है, वो परावभासकत्व योगात, वो पर को जानने में भी सक्षम नहीं हो सकता। ज्ञानम तु स्वपरावभासकम्, ज्ञान है वो स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। प्रदीपादिवत प्रतीतम्, हम सब प्रतीति में आता है हमारी सबकी में, कि वो प्रदीपादिवत, वो प्रदीप आदि के की तरह होता है। ज्ञान का स्वभाव प्रदीप जैसा होता है, जैसे दीपक अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, अपने को भी प्रकाशित करता है। कमरे में अंधेरा हो रहा हो और हमने ट्यूबलाइट जलाई, वैसे ऐसा होता नहीं है शाम के समय अंधेरे में, हम कमरे में दरवाजा खोल के, दरवाजा खोलते ही किनारे पे स्विच लगा होता है, हम स्विच ऑन करते हैं, जब तक स्विच ऑन नहीं करते तब तक कमरे में कुछ नहीं दिखता, और जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो हमको कमरे की सब चीजें दिखाई दे जाती है। लेकिन वो जो ट्यूबलाइट जलाई होती है वो दिखती है कि नहीं? वो भी दिख जाती है। तो जैसे दीपक ट्यूबलाइट स्वपरावभासक होते हैं, स्वपरावभासक माने स्वपर प्रकाशक, ऐसे ही ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक होता है। लेकिन जो ये हमारी इंद्रियां हैं, इस स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये सब ये स्वपरावभासक नहीं है, ये कम से कम ऐसे संवेदी तो है ही। इनको व्यवहार पहले तो देखो 12वें पैराग्राफ में तो कहा था कि वे अचेतन है, किसी को भी नहीं जानती है, लेकिन 13वें पैराग्राफ में ये विशेष बात है कि उन्होंने कहा चलो हम व्यवहार से मान लेते हैं कि वे जानती हैं, लेकिन जानती भी है तो वे पर को ही जानती है, वे अपने को नहीं जानती है, और जो अपने को नहीं जानता है वो वास्तव में पर को भी ठीक से नहीं जान सकता, और इसलिए वो साधक तम भी नहीं बन सकता। कितना गजब का तर्क है ये, आज आप आसानी से पढ़ रहे हैं लेकिन कभी इस विषय पर आपको कई घंटों बोलने का, समझने का, इसमें बहुत गहराई है। किंच ऐस्वे संविदितत्वात् अख्यादेहे नार्थ प्रमितौ साधक तमत्वम् स्वावभासनासक्तस्य परावभासकत्वायोगात् ज्ञानं तु स्वपरावभासकम् प्रदीपादिवत् प्रतीतम् ततस्थितम् प्रमितौ असाधकतमत्वात् अकरणम् अक्षादय इति। देखो कैसे प्रमितौ ततः स्थितम्, ततः माने इसलिए, इस प्रकार से, ततः माने निष्कर्ष रूप से, स्थितम् माने सिद्ध हुआ, इस प्रकार ये स्थापित हुआ कि प्रमितौ, प्रमिति में, देखो प्रमितौ, अब ये दिखाई ही नहीं देगा जो संधि नहीं जानता होगा, सोचेगा प्रमिता लिखा हुआ है, प्रमिता नहीं लिखा, प्रमितौ लिखा हुआ है, प्रमितौ प्रमितौ, और फिर आगे लिखा है असाधक तमत्वात्, असाधक तमत्वात्, कितना बढ़िया लिखा, प्रमिति में असाधक तम होने से, ये तम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तम पर ही चल रही है सारी बहस, कि वो कारण नहीं, कारण तम होना चाहिए। तो साधक तमत्वात्, साधक प्रमि असाधक तमत्वात् एकरणम्,
तमत्वात् अध्याय में से ए निकलेगा, एकरणम, ये एकरण है। अब ये एकरण क्या आ गया, एकरण है माने करण नहीं है, अक्षादय इति। अब चौदवा अनुच्छेद पढ़ रहा हूं, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, सीधी सच्ची, कितनी बढ़िया समझा रहे हैं। सब समझ में आ रही है ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, अच्छे से समझो। देखो क्या 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 प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है। चक्षुषा प्रमीयते इत्यादि व्यवहारे पुनरुपचार शरणम। ओहो मुझे तो बहुत आनंद आता है पढ़कर। चक्षुषा प्रमीयते के जो ऐसा लोक में कहते हैं कि चक्षुषा प्रमीयते इत्यादि व्यवहारे, ऐसा जो लोक व्यवहार चलता है उसमें, व्यवहारे मने सप्तमी एक वचन, ऐसा जो लोक व्यवहार चलता है कि चक्षुषा प्रमीयते पुनरुपचारा शरणम, उसमें उपचार शरण है, उसमें उपचार शरण है। उपचार शरण है माने वो उपचार से कहा जाता है, उपचार शरण है माने उसमें जो ये जो बोला जाता है फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे आप मेरे घर आओ तो मैं बोल दूंगा कि आपका ही मकान है, आपके घर में आऊं तो आप बोल दोगे कि आपका ही मकान है, मगर रजिस्ट्री कोई किसी को नहीं देगा। तो ये व्यवहार उपचार व्यवहार है। चक्षुषा प्रमीयते इत्यादि व्यवहार जो दुनिया में चलता है उसमें तो केवल उपचार है, वो तो वहां उपचार शरणम, उपचार ही वहां पर शरण है। उपचार प्रवृत्त, उपचार प्रवृत्ति में, उपचार के प्रवर्तन में, उपचार के व्यवहार में सहकारित्वम निबंधनम। उपचार का क्या है, उपचार तो जो भी सहकारी कारण होते हैं जितने भी दूर दूर तक के, वो सब कारण मान लिए जाते हैं। सहकारी होना ही निबंधन है, निबंधन माने कारण, नहीं सहकारित्वेन तत्साधकम इति करणम नाम। उसे सहकारी होने के कारण, सहकारी पने के कारण, सहकारी पने से वो साधक हो गया। सहकारित्वेन तत्साधकम इदम्, सहकारी होने से वह साधक हो गया। ये उसका नाम करण नहीं पड़ेगा भैया, न लगाए ना सबसे पहले, न का अनुवाद बाद में होगा। न ही सहकारित्वेन तत्साधकम इदम इति करणम नाम, सहकारी होने के कारण ही ये चीज साधक है, ऐसे करके उसका करण नाम नहीं हो सकता है। क्यों, साधक विशेषस्य अतिशयवतः करणत्वात्, क्योंकि जो साधक विशेष होता है वो बहुत अतिशयवान हो तो ही करण कहलाता है। देखो कितना बढ़िया, साधक विशेषस्य, जो कार्य का साधक हो, साधक ही नहीं साधक विशेष हो, विशेष ही नहीं उत्कृष्ट साधक हो, साधक विशेषस्य अतिशय, कहते हैं ना यहाँ का अतिशय है, तो कहते साधक विशेष का अतिशय होना चाहिए। अतिशय वतः करणत्व, जो अतिशय रूप से साधक होगा, अतिशय माने आप ये समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं, जिसके होने पर कार्य हो ही हो उसको कहते हैं करण। करण का मतलब क्या है, करण माने जिसमें 1% भी अपवाद नहीं आना चाहिए, कि कभी कभी तो हो जाता है, ऐसे नहीं धुआं दिखा है तो गारंटी से आग होती है,
नहीं, कभी दिख गया, कभी एकाध बार तो हो जाता है, ऐसे नहीं चलेगा। ये ढील पोल नहीं चलती वस्तु की व्यवस्था में। तो जो साधक विशेष का जो अतिशयवानपन है वो उसी को करण कहते हैं। तदुक्तम जैनेन्द्रिय। देखो मुझे तो ये भी बात बहुत आनंदित करती है कि आज से 500 वर्ष पहले तक जैनेन्द्र व्याकरण जिसे पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, वो पाठशालाओं में विद्यालयों में खूब पढ़ा पढ़ाया जाता था और सारे देशवासी उसको पढ़ते थे। लेकिन अब औरों का तो ध्यान है ही नहीं, पर जैन समाज का भी ध्यान नहीं है। जैनेन्द्र व्याकरण बहुत बढ़िया भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, संस्कृत के विद्वानों को भेंट देना चाहिए ताकि उसकी भी महिमा लोगों को आए। साधक तमम करणम इति, जैनेन्द्र व्याकरण में कहा है साधक तमम करणम। क्या परिभाषा है! देखो करण किसे कहते, करण माने ये कारकों की बात चल रही है, कर्ता ने लक्षण में कोई अक्ष आदि में अति व्याप्ति दोष नहीं आएगा, क्योंकि ये तो उपचार से कही गई बात है। अब 15वां पैराग्राफ। अथापि धारावाहिक बुद्धि सु अति व्याप्ति तासाम सम्यक ज्ञानत्वात्। अथापि, इस पर भी, इसके बाद भी, इतना सब आपने बोल दिया महाराज। अथ माने इसके बाद, इसके बाद भी धारावाहिक बुद्धि में, धारावाहिक ज्ञान में, बुद्धि सु धारावाहिक बुद्धियों में, धारावाहिक ज्ञानों में अतिव्याप्ति आ जाएगी महाराज। क्यों? तासाम सम्यक ज्ञानत्वात्। क्योंकि जो धारावाहिक ज्ञान है वो भी तो सम्यक ज्ञान है। धारावाहिक ज्ञान सम्यक ज्ञान ही तो है महाराज, इसलिए वो उसमें तो अतिव्याप्ति जाएगी ना, उसका तो निराकरण नहीं हुआ आपके उससे। आपने जब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा, माणिक नंदी महाराज ने तो लिख रहा था पूर्वार्थ, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, लेकिन आपने तो नहीं लिखा अपूर्वार्थ, इसलिए आपके तो धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्ति आ जाएगी। तो उत्तर दे रहे, न च तासाम आरतमते प्रामाण्य अभ्युपगमा इति। यहाँ तक प्रश्न पूरा हो रहा है कि धारावाहिक बुद्धि में अतिव्याप्ति आ जाएगी क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है, और उनको और आरहत मत में तासाम, तासाम कासाम धारावाहिक बुद्धि नाम आरहत मते, आरहत मत में, आरहत मत माने जैन मत में, जैन दर्शन में प्रामाण्य अभ्युपगम, अभ्युपगम माने स्वीकार करना, अभ्युपगम उनको प्रमाण रूप में स्वीकार न, नीचे पहले न लिख दिया ना, स्वीकार नहीं किया गया है धारावाहिक ज्ञान को अरहत मत में, आरहत मत में, अरिहंत भगवान के मत में प्रामाण्य नहीं स्वीकार किया गया है। उच्यते कहते हैं, इसका उत्तर आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? एकस्मिन्नेव घटे, एक ही घट में, घट विषय अज्ञान विघटनार्थम आद्ये गाने प्रवृत्ते तेन घट प्रमितौ सिद्धायाम
पुनर्घटोयम घटोयम इत्येवम उत्पन्नानि उत्तरोत्तर ज्ञानानि खलु धारावाहिक ज्ञानानि भवन्ति। एक ही घट में घट विषयक अज्ञान के विघटनार्थ जब कोई आद्य ज्ञान, आद्य माने सबसे पहला, आद्य आदिनाथ शब्द होते है कि नहीं, आदि, आदि से बन गया, आदि का उससे बन गया आद्य, आद्य ज्ञाने प्रवृत्ते, पहले ज्ञान हो जाने पर, आद्य ज्ञाने प्रवृत्ते माने उनका पहले ज्ञान हो जाने पर, तेन घट प्रमित सिद्धायाम, और उससे घट की प्रमिति, प्रमिति माने ज्ञान, जानकारी, घट की जानकारी सिद्ध हो गई, हो गया पुनर्घटोयम घटोयम। अब उसके बाद भी पुनर, पुनर माने उसके बाद भी घटोयम घटोयम, ये घड़ा है, ये घड़ा है, इत्येवम उत्पन्नानि, इस प्रकार से जो उत्पन्न होने वाले उत्तरोत्तर ज्ञान है, खलु धारावाहिक ज्ञानानि भवन्ति। अब ये परीक्षा में ये आता है, धारावाहिक ज्ञान किसे कहते हैं और वो प्रमाण क्यों नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से उत्तर देना है कि एकस्मिन घटे, धारावाहिक ज्ञान की परिभाषा क्या लिखी है यहाँ, एकस्मिन नेव घटे घट विषय अज्ञान विघटनार्थम आद्य ज्ञाने प्रवृत्ते तेन घट प्रमितौ सिद्धायाम पुनर्घटोयम घटोयम इत्येवम उत्पन्नानि उत्तरोत्तर ज्ञानानि खलु धारावाहिक ज्ञानानि भवन्ति। ये धारावाहिक ज्ञान की परिभाषा है। और ये प्रमाण क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर जरा सा है, नहीं एतेषां प्रमितिं प्रति साधक तमत्वम, बस ये उत्तर है, नहीं एतेषां, न ही एतेषां, यण संधि हो गई, ई का यह बन गया, नहीं एतेषां प्रमितिं प्रति साधक तमत्वम, इनका प्रमिति के प्रति साधक तम पना नहीं है। प्रथम ज्ञाने नैव प्रमिते सिद्धत्वात्, क्योंकि प्रथम ज्ञान से ही प्रमिति सिद्ध हो गई। कथम तत्र लक्षणम अतिव्याप्नोति, वहां लक्षण में अतिव्याप्ति दोष कैसे आएगा, तेसाम ग्रहित ग्राहित्वात्, क्योंकि वो जो धारावाहिक ज्ञान है वो तो ग्रहित ग्राही है, ग्रहित ग्राही होने से प्रमाण की परिभाषा है कि जो प्रमिति के प्रति साधक तम हो, और ये तो धारावाहिक ज्ञान प्रमिति के प्रति साधक तम नहीं है, इसलिए उसे उनमें अतिव्याप्ति नहीं आएगी। और इसी में एक प्रश्न पूछ रहा है शंकाकार, ननु, 16वां पैराग्राफ, ननु घटे दृष्टे पुनर अन्य व्यासंगेन पश्चात घटेव दृष्टे पश्चात तनम ज्ञानम पुनर अप्रमाणम प्राप्नोति धारावाहिक वदिति चेत् न दृष्टस्यापि मध्ये समारूपे सति अदृष्टत्वात्, के जो घड़ा देखा उसके बाद, ननु, ननु माने शंका, घटे दृष्टे घड़े को देखने पर, पुनः, पुनः माने उसके बाद, देखने के बाद, अन्य व्यासंगेन किसी दूसरे काम में लग गए हम, अन्य व्यासंग अन्य प्रकरण में किसी और चीज में व्यस्त हो गए और भूल गए घड़े को, तो पश्चात घटेव दृष्टे, बाद में जो हमने फिर जो घड़ा देखा वो अप्रमाणम प्राप्नोति, बोले साहब वो अप्रमाण हो जाएगा, तो कह रहे धारावाहिक वदिति चेत, धारावाहिक ज्ञान की तरह, तो इन्होंने उत्तर दिया ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दृष्टस्यापि मध्ये समारूपे सति अदृष्टत्वात्, क्योंकि देखा हुआ में भी यदि समारूप लग जाए तो वो अदृष्टत्वात्, दृष्टस्यापि मध्ये
समारूपे सती, सती सप्तम्याम सती समारूपे सती, समारोप लगने पर, समारोप माने ये बहुत खास शब्द है, संशय विपर्य और अनध्यवसाय का सामूहिक नाम है समारोप। संशय विपर्य और अनध्यवसाय जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों का एक ग्रुप नाम है, सामूहिक नाम है रत्नत्रय। ऐसे ही संशय विपर्य अनध्यवसाय का सामूहिक नाम है समारोप। और जब समारोप लग जाता है तो जानी हुई चीज भी बिना जानी हुई हो जाती है। तदुक्तम दृष्टोपि समारोपात ताद्रेक। अब ये सत्य दृष्टत्वात का कोई अगर संधि विच्छेद न जाने ना तो उसको बहुत दिक्कत होगी। वो कहेगा सत्य दृष्टत्वात, सही देखा, सत्य दृष्टत्वात कर देगा वो। अरे नहीं, सती अदृष्टत्वात है, समारोपे सती अदृष्टत्वात, समारोप होने पर वो नहीं देखा। तदुक्तम दृष्टोपि समारोपात ताद्रिक, कितना बढ़िया का परीक्षा मुख सूत्र को भी कितने गहराई से धर्मभूषण यति आचार्य ने पढ़ा था, इसलिए उसका भी यहाँ पर संदर्भ दिया। ये संदर्भ ग्रंथ है ना, इसलिए ये अब एक पैरा इसका और बचा है, उसको और पढ़ते फिर हम बाद में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं क्या क्या बात आई, लेकिन ये चार लाइन का ये पैराग्राफ और पढ़ना जरूरी है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताना। एतेन निर्विकल्प के सत्ता लोचन रूपे दर्शने पी अतिव्याप्ति परिहता। इस प्रकार निर्विकल्पक सत्ता लोचन रूप दर्शन में भी अतिव्याप्ति का परिहार कर दिया। परिहार मने खंडन, निराकरण। तस्य अव्यवसाय रूपत्वेन प्रमितिम प्रतिकरणत्वाभावात्, क्योंकि वो जो निर्विकल्पक दर्शन है वो अव्यवसाय रूप है और प्रमिति के प्रति वो उसमें करणपना नहीं है। निराकारस्य ज्ञानत्वाभावाच्च, और वो निराकार होने से उसमें उसमें निर्णय निर्णय करने की क्षमता नहीं है, वो ज्ञान पने का उसमें ज्ञानत्व का अभाव है। ज्ञानत्व अभावाच्च, ज्ञान पने का उसमें अभाव है। निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम सर्वार्थ सिद्धि। देखो कितने ग्रंथों के पुराने जमाने में आज जैसे ग्रंथ छपे हुए मिलते नहीं थे, ऐसी पीडीएफ मोबाइल पर नहीं मिलती थी, धर्मभूषण आचार्य ने इन ग्रंथों को पढ़ा होगा, ना केवल पढ़ा होगा बल्कि इनको वो उनको याद होंगे जिन जिन के वे उद्धरण दे रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि का। ओ कितने सर्वार्थ सिद्धि, परीक्षा मुख, जैनेन्द्र व्याकरण, तत्वार्थ सूत्र, राजवार्तिक, प्रमाण निर्णय। एक लिस्ट बनानी चाहिए, एक प्रश्न ऐसा आना चाहिए कि ऐसे पांच ग्रंथों के नाम बताओ जिनका न्याय दीपिका में संदर्भ दे रखा है। एक लिस्ट लिखनी चाहिए किसी को, ये काम करना चाहिए, फिर उसको ग्रुप पर डालेंगे, कोई लिखे तो न्याय दीपिका में कौन कौन से ग्रंथों का संदर्भ, कितने ग्रंथों का संदर्भ है। एक शोध पत्र बन जाए बहुत बढ़िया, इसको पत्रिका में छपाना चाहिए, न्याय दीपिका कार कितने ग्रंथों के अध्येता थे और कि न्याय दीपिका में कितने ग्रंथों के। मुझे लगता है रेफरेंस बुक, पुरानी रेफरेंस बुक इससे बड़ी शायद कोई दूसरी ना मिले, आप ढूंढो तो। जैसे आजकल कोई शोध प्रबंध लिखता है ऐसे इतने ज्यादा संदर्भ आपको मिलेंगे, देखो कितने बड़े बड़े संदर्भ है।
तो इसलिए तदेवं प्रमाणस्य सम्यक ज्ञानम इति लक्षणम न अतिव्याप्तम नाति अव्याप्तम। इस प्रकार जो प्रमाण का हमने सम्यक ज्ञान ऐसा लक्षण किया वो न अव्याप्तम नाति व्याप्तम, न अतिव्याप्त है न अव्याप्त है, लक्ष्ययोः प्रत्यक्ष परोक्षयोः व्याप्य वृत्ते, क्योंकि वह लक्ष्यभूत जो प्रत्यक्ष और परोक्ष है उसमें उसकी व्याप्ति रहती है, वो व्याप्त है फैलता है, नापि असंभवी, और यहाँ कोई असंभव दोष भी नहीं है क्योंकि लक्ष्य वृत्तेरवाधितत्वात्, क्योंकि लक्ष्य में रहने में इसमें कोई बाधा नहीं आती है। इस तरह से ये लक्षण एकदम सही है। कौन सा लक्षण? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और इस लक्षण द्वारा संशय विपर्य का निराकरण किया, संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण किया, प्रमिति का निराकरण किया, धारावाहिक ज्ञान का निराकरण किया, अक्षलिंगादि का निराकरण किया, और निर्विकल्पक सत्ता रूप सत्तालोचन रूप दर्शनोपयोग का निराकरण किया, इतनी चीजों का निराकरण किया। ऐसे ये बहुत ही बढ़िया शानदार प्रकरण है। आज की क्लास को आप दोबारा सुनना, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। मुझे बहुत सारी बात कहनी थी और ये प्रकरण, इसमें सारी बात सिमटी हुई थी इसलिए मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन मैं चर्चा के लिए, आप आराम से मुझको व्हाट्सएप करो, प्रश्न पूछो, लिख लिख के नोट्स बना के भेजो, और अगर अगली क्लास में आपके प्रश्न ज्यादा हुए तो हमको कुछ नहीं है, हम ज्यादा जल्दी नहीं भागेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे तो हम सबके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ संदेश जी, देख जी किसी को कुछ कहना जी हो तो। मेरे ख्याल से अभी हम एक ही कोई प्रश्न लेंगे क्योंकि समय इतना हमारे पास नहीं है। रितु हाँ जी का हाथ उठा है। हाँ हाँ रितु जी, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र बोलिए। ये 15, 16 और 17 नंबर में घड़े का एग्जाम्पल आप मौखिक रूप से थोड़ा सा बता दीजिए, जो घड़े के एग्जाम्पल हाँ, क्या ये समझा उन्होंने है। ये उदाहरण दिया कि जैसे मैंने जान लिया कि ये घड़ा है, मैंने जान लिया कि ये पुस्तक है, मैंने जान ली कि ये घड़ी है, अब घड़ी जानने के बाद में मैंने फिर जाना कि ये घड़ी है। जब हम किसी चीज वस्तु को दोबारा जानते हैं तो उसका नाम होता है धारावाहिक ज्ञान। एक चीज को एक बार जान लिया, जानने के बाद दोबारा जानना, ये चश्मा है, ये रुमाल है, इसको शास्त्रों में धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। ये और ये ज्ञान शास्त्रों में प्रमाण नहीं माना गया क्योंकि ये प्रमिति को जो सम्यक ज्ञान है उसको उत्पन्न नहीं करता है, ये मतलब है। जी देखिए, ये जो विषय चल रहा है ये निश्चित ही थोड़ा बहुत कठिन आपको जा रहा होगा, और खासकर जिन्होंने ये पहले नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर जिन्होंने परीक्षा मुख भी नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा कठिन जा रहा होगा। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, ये जो पुस्तक है या फिर जो हमने आपको पीडीएफ दे रखी है, जितने लोगों के पास पुस्तक है, इसके पीछे पूरा एक एक शब्द का हिंदी अर्थ इसका बहुत सुंदर लिखा हुआ है। आप उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें, अगले हफ्ते तक आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें, तब भी कोई प्रश्न होता है, यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो हम आधा घंटे का भी क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं कक्षा के समय पर ही। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, पहली सूचना ये थी। दूसरी बात ये कि ग्रंथों के संबंध में बार बार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बार बार डेली डेली फोन आ रहे हैं, परंतु अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उसमें एक और बात थी, हमारे पास जैसे ही ग्रंथ आएंगे हम वैसे ही भेज देंगे। हमने पहले भी जो ग्रंथ भेजे थे तो ग्रंथ भेजने के लिए हमें संपूर्ण एड्रेस की जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपना एड्रेस में अपना घर का पता या फिर जगह का नाम लिख के भेज देते हैं। दो तीन पॉइंट जो हमारी समझ में आई जो हमने उनसे पूछे, उनने बताए, तो एक तो पिन कोड और दूसरा नंबर फोन नंबर, ये दोनों चीज आपकी अवश्य अवश्य होनी ही चाहिए।
तो एक बार आप सभी जो आपने मैसेज हमें एड्रेस भेजे हैं, हम सबको अलग अलग तो नहीं बता सकते मैसेज करके, तो आपने जो हमें एड्रेस भेजे हैं उसमें पिन कोड, अपना फोन नंबर, ये एक दो चीजें बिल्कुल प्रॉपर एक मैसेज में आप हमें लिखकर भेजें, और अगले सेशन से हम इसी जो आज हमने प्रकरण पढ़ा है इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे। आप हिंदी से अवश्य अवश्य पढ़ें, जिससे आपको और विषय स्पष्ट होगा। और जो हमने आपको इसके लेख भेजे हैं, न्याय मंदिर एक पुस्तक है, उससे भी आप इसको विषय को पढ़ सकते हैं, उसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से बहुत सारी बातें आई हैं। तो इस प्रकार आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आगामी कार्यक्रम में अभी आदरणीय विक्रांत जी पाटनी द्वारा कक्षा रहेगी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से उनकी कक्षा चल रही है, वो यथावत रहेगी। सभी को जय जयेंद्र। जय जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी भाई साहब। जी जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब।